पहली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां पर गैस टैंकर अचानक से पलट गया और वहां पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ, आग कैसे बुझाई गई, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक गैस टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। कैसे आग बुझाई गई, कैसे आग पर काबू पाया गया, सब कुछ दिखाते हैं। डंपर का जो टैंकर मैंकर मध्य प्रदेश के रायसेन में आग का तांडव देखने को मिला। रविवार को एक डीजल टैंकर सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद देखते ही देखते टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी भीषण थी कि लपटे और काले धुएं का गुबार दूर से ही आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, आग ने पूरे टैंकर को चपेट में ले लिया। किसी के पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक हादसा रविवार दोपहर करीब 3 बजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बाड़ी के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि गैस टैंकर वडोदरा से जबलपुर की ओर जा रहा था। नागिन मोड़ के पास टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पर पलट गया और टैंकर में देखते ही देखते आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर को टैंकर से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों की आग में झुलसकर मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की कई झुग्गियां भी इसकी चपेट में आ गई। गनीमत रही कि झुग्गी में रहने वाले लोग वहां से निकलकर भाग निकले, वरना कोई भी चपेट में आ सकता था। हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। दमकल की करीब 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।